बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, उसके बावजूद भी जो लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं, महंगे से महंगे कार में, महंगे से महंगे मोटरसाइकिल में शराब का व्यापार करते हैं, लेकिन पुलिस को देखने के बाद उनकी सभी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सोनार टोली के निकट पुलिस की गश्ती के गाड़ी को देखा तो MH नंबर का स्कॉर्पियो जो NS तरफ से आ रहा था बैक करके भागने लगा, और भागने के क्रम में इतनी तेजी में वह स्कॉर्पियो था कि कुछ दूर आगे जाने के बाद सोनार टोली के पास वो पलट गया, लेकिन वह उस पर बैठे जो चालक थे वो फरार हो गए। पुलिस ने वाहन को किया जब्त, जिसमें 55 लीटर नेपाली सोफिया हुआ बरामद। इसकी पुष्टि विश्वविद्यालय थाना के थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश झा ने की। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। अब जरा देखिए, ये MH नंबर की गाड़ी है, इसमें शराब पकड़ाया है नेपाली सोफिया। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये महंगे महंगे गाड़ी, इसमें लोग शराब का व्यापार करते हैं, जो बिहार में पूर्णतः प्रतिबंध है। वैसे पुलिस को देख के इसके जो चालक थे वो गाड़ी छोड़ के भाग गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से इतने महंगे महंगे कार में जो प्रतिबंध है बिहार में शराब, उसका व्यापार होता है कहीं ना कहीं, इसमें या तो इन्हें प्रशासन का डर नहीं है, जिसका परिणाम होता है कि इस प्रकार के गाड़ी में शराब का व्यापार होता है। पुलिस, विश्वविद्यालय थाना पुलिस गश्ती कर रही थी सुंदरपुर सोनार टोला के बाद पास, जैसे ही पुलिस की गाड़ी को चालक ने देखा गाड़ी को भगाने लगा, इसी क्रम में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और चालक फरार हो गए। अब ये गाड़ी MH नंबर है, किसका गाड़ी है ये तो पुलिस अनुसंधान करेगी, लेकिन जो समस्या है बिहार में, महंगे महंगे कार में शराब आता है कहीं न कहीं, इसके लिए करे नियम की आवश्यकता है। मैं आपको दृश्य दिखा दूं कि किस प्रकार से ये क्षतिग्रस्त है कार। पुलिस अब इसकी जांच करेगी कि ये गाड़ी किसका है। पुलिस को देख के जो शराब माफिया है वो तो डर जाते हैं, लेकिन वो अपने कारनामों से बाज नहीं आते हैं। अगर ये कार तेजी में भागता और अगर कोई इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाता तो कुछ और ही लफड़ा हो जाता, लेकिन देख लीजिए ये कार है, इसमें शराब आया, और पुलिस की गाड़ी को देख के जब ये गाड़ी बैक करके भागने लगे NS तरफ तो पुलिस ने पीछा किया और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की कर रही है जांच। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा।